नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। राजस्थान से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ जोधपुर के नागौर जिले में रहने वाले पुरखा राम साल में 300 दिन तक सोते हैं। खास बात तो यह है कि इस दौरान उनका खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ नींद में ही होता है। दरअसल नागौर निवासी पुरखा राम को एक दुर्लभ बीमारी एक्सेस हाइपरसोमनिया है, जिसके कारण एक साल में वो 300 दिन सोते हैं। 42 वर्षीय पुरखाराम एक बार में 25 दिन तक सोते रहते हैं। जब पुरखाराम सो जाते हैं तो उनके परिवार को उन्हें खिलाना और नहलाना पड़ता है। स्थानीय लोग उन्हें असल जिंदगी का कुंभकर्ण कहते हैं। उन्हें 23 साल पहले इस दुर्लभ बीमारी के बारे में पता चला था। इसकी वजह से वो महीने में सिर्फ 5 दिन ही अपनी दुकान चला पाते हैं। पुरखाराम के परिवार वालों का कहना है कि जब वो सो जाते हैं तो उन्हें जगाना मुश्किल होता है। उन्हें जब शुरुआती दिनों में ये समस्या हुई और घर वालों ने उनके ज़्यादा सोने को लेकर नोटिस किया तो उन्होंने डॉक्टर से भी संपर्क किया। उस समय वो दिन में 15 घंटे सो रहे थे। इसके बाद नींद की अवधि कई घंटों और फिर कई दिनों तक बढ़ गई। बाद में लक्षण इतने बिगड़ गए कि अब वो एक बार में 20 से 25 दिन सो जाते हैं। परिजनों ने बताया कि शुरुआत में किसी भी डॉक्टर को नींद का कारण समझ नहीं आ रहा था। समय के साथ साथ धीरे धीरे उनके सोने का समय बढ़ता चला गया। अब हालात ये हो चुके हैं कि एक बार में सोने के बाद पुरखा राम लगातार 25 दिनों तक सोते रहते हैं। तो वहीं पुरखा राम कहते हैं कि उन्हें दूसरी कोई परेशानी नहीं है, बस नींद ही नींद आती है। वो जागना चाहते हैं पर शरीर उनका साथ नहीं देता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।